सुना महाराष्ट्र में जो शर्लिंग हुई है, बीएसएफ के दो जवान जख्मी हुए हैं। हर बारी पैरामिलिट्री फोर्स को लालीपॉप सरकार देती है। हमने हर दफा रिक्वेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन हमारी कहीं सुनाई नहीं। अभी हमने जो फैसला किया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरे हिंदुस्तान के बीच तीन तरीक को दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया के जितने भी कर्मचारी है पैरामिलिट्री फोर्सेस के, जहाँ वो सिविल के सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारी जो डिमांडेस हैं, पेंशन है वो देखो बहुत कम है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं सरकार ने दिया। लेकिन हम रिक्वेस्ट हर बार रिक्वेस्ट करते हैं, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, भाई 2023 दिसंबर तक हमारी डिमांड्स आपने मान ली तो वेल एंड गुड है। 2024 का जो चुनाव है उसके अंदर हमारा 5 करोड़ पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो वोट है वो कट होगा इस सरकार से। हम रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी बिल्कुल सरकार नहीं सुन रही। आपको पूरी मीडिया को पता है बॉर्डर पे क्या होता है, आरसपुरा अखनूर सांबा जे श्रीनगर में सबसे आगे पैरामिलिट्री बीएसएफ बैठी हुई है। 09 के अंदर सियाचिन ग्लेशियर के अंदर आईटीबीपी है, अटर्नल डिप्टी जो सीआरपी है और एसएसपी जो नेपाल बॉर्डर पे बैठे हुए है, और सबसे ज्यादा कैजुअलिटी बीमारी है, सबसे ज्यादा हमारी कैजुअलिटी है, लेकिन सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। हमारे होम मिनिस्टर पे अटैक हुआ वहां पर बंगाल के बीच इलेक्शन में, उन्होंने बोला भाई मुझे सीआरपी ने बचाया और मैं अभी पता चल गया मुझे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा, लेकिन अभी तक भाई साहब बिल्कुल कोई सोचा नहीं है। मजबूरी हमें प्रेस में आके बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके मीडिया के बंधुओं की तरफ से, भाई हमारी बात को ऊपर बजाओ, लेकिन हमारी बात को हमेशा अनदेखा किया जा रहा है। पेंशन देखो 2006 से पहले एक विड्रोज है उसकी 9000 रुपया पेंशन है, क्या वो सब इंस्पेक्टर है, क्या वो हेड कॉन्स्टेबल की बीबी है, वो सिपाही की बीबी है, 33 साल सर्विस करने के बावजूद जो बॉर्डर पे शहीद होता है उसकी मिसेज की 9000 रुपया पेंशन है, उसके बच्चे वो कहां से जाएंगे, कहां से पढ़ेंगे, कहां से खाना खिलाएगी वो, और उसका हालत देखो आप, इसका बिजली का बिल देखो 4000-5000 से कम नहीं आता, अब वो बेचारी कहां से देगी। तो मैं हाथ जोड़ के मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की पूरी जनता से रिक्वेस्ट करती है मीडिया को, इनकी बात जो सरकार के पास बजाए, जो आज तक सोई हुई है सरकार, इसने कुछ नहीं सोचा। मैंने प्रेस रिलीज के बीच हर एक बात लिखी हुई है, पेंशन हमारी कितनी है, क्या क्या है, और डिफेंस फोर्सेस को जो जीरो लैंड के पीछे रहती है, जम्मू में बैठी हुई है, मीरत साहब में बैठी हुई है, बॉर्डर पे नहीं आर्मी है, आर्मी है सिर्फ सिटी के बीच जीरो लैंड पे बैठी है, वो बीएसएफ है, फर्स्ट हिट जो गोली होती है वो बीएसएफ को होती है, जहाँ सीआरपी जो इंसर्जेंसी के बीच मिलिटेंसी के बीच सीआरपी के जवान मरते हैं, जहाँ जे एंड के पुलिस मर रही है वहां पर। और इस सरकार ने सिर्फ हमें लालीपॉप दिया, 15 साल जिस आर्मी का सिपाही सूबेदार जो 24 साल सर्विस करता है वो उसने बॉर्डर नहीं अभी तक कर देखा हुआ, उसको पूछ लो बॉर्डर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। बीएसएफ का जवान एक फोर्थ क्लास से लेके अपर तक वो 24 घंटे बॉर्डर पे रहते हैं, छाए होते हैं 24 आवर्स, और पहली गोली उन्हीं को हिट होती है दुश्मन की, और फिर भी वो छाती पर खाते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता ग्राउंड पे। हम पेपर कार्रवाई करते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं दिया जाता। मैं मीडिया से मेरी यही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा हमारी बात को हाईलाइट करें और मोदी सरकार के पास बजाएं बात को, उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके सब मीडिया को, बंधु जितने मीडिया बंधु आए हुए हैं, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारी जो डिमांड्स है वो जनरल डिमांड्स है और 2012 की चल रही है, आज तक हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा सरकार। अभी सरकार ने बोला है यूट्यूब, जितनी यूट्यूब चैनल्स हैं उसके बीच दिया 18% एरियल हम इनको दे देंगे, और जो इनका 3.67 बेसिक पेंशन से 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन है उसको हम दे रहे हैं, लेकिन जब घोषणा हुई 4% डीए की, इसके अलावा कोई घोषणा है, कुछ घोषणा नहीं हुई। हमें दुख आता है एक कमरे के अंदर ड्यूटी कर रहा है उसे सरकार नोट ही नोट दे रही है, लेकिन जो बॉर्डर में शहीद होते उनको कुछ नहीं दे रही।
उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही। लेकिन प्लीज मेरी जय रिक्वेस्ट है, हमने जय प्रेस लिस्ट के बीच नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट किया है पैरामिलिट्री फोर्स की जो जेनरल डिमांड है, आज से एक साल पहले रोला पड़ा था, गवर्नमेंट ने डाला था, इनको मेडिकल फैसिलिटी हमने दे दिया है 5,000 रुपया। आज तक वो पता नहीं कहाँ फैसिलिटी गई है मेडिकल की, जो हमें रिलीज किया वो कहाँ पर है वो अभी तक कुछ नहीं, कागजों के अंदर कुछ नहीं। उसके बाद सेवन पे कमीशन के रिकमेंडेशन, सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन किया पर इनको 3.68 दिया जाए, जो जनरल इनकी डिमांड से हमने जो पहला फिटमेंट फैक्टर है 2.57 वो हमारी गलती से, गलती हमारी मिनिस्ट्री ने माना और 3.68 देना था वो अभी तक नहीं दिया। आज से एक महीना पहले रोला डाल दिया U2 के बीच, हर चैनल के बीच डाला हुआ है, जो नेशनल चैनल दिल्ली के बीच बैठे हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स को पूरी फोर्स को जे दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन भैया कुछ नहीं मिला। आज हम मजबूरी निकल के बाहर आए हैं, आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारी जनरल डिमांड है उसके बजाय गवर्नर के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर आगे बजाए और सरकार के भी कान खुले। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे एमपी है, एक एमपी एक एमएलए को हम चुन के भेजते हैं 5 साल के लिए, उसके परिवार की पूरी सिक्योरिटी देती है, उसके परिवार को लाइफ टाइम पेंशन मिल रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमारी तो 2004 के बाद सबकी पेंशन बंद की हुई है और सरकार बोलते हैं पेंशन देंगे लेकिन उसमें कुछ नहीं है। अब हिमाचल में लागू कर दिया, पंजाब में लागू हो गई, राजस्थान में लागू हो गई है, कर्नाटक में लागू हुई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है हम नहीं देंगे। और बताइए जो एक एमपी 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ता है और पूरे भारतवर्ष को बेवकूफ बनाता है, जनता को बेवकूफ बनाता है, उसकी पेंशन, उसके बच्चों का मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन उल्टी गाड़ दी जाती है सीआरपीएफ प्रोटेक्शन के लिए, और हमें जो बॉर्डर पे 33 साल सर्विस करते हैं हमें कुछ नहीं। तो हम फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया की तरफ से, हमारी जो लंबे समय की जो डिमांड्स है उस पे 2023 इलेक्शन से पहले पहले से कीजिए पूरी। जय हिंद जय भारत।